लाहौर समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। भारतीय मजालिम के खिलाफ हर कोई हम आवाज, शहर भर में रैलियां, सेमिनार और तकरीब का एहतमाम। कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम। निहत्ते कश्मीरियों की भरपूर सिफारती, अखलाकी और सियासी हमायत का इआदा। चैरिंग क्रॉस पर यौम कश्मीर के हवाले से मरकजी तकरीब की तैयारियां। मॉल रोड और इतराफ की सड़कों पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से बैनर जावेजा। कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश। कश्मीरी भाइयों, बहनों, बच्चों के साथ हैं। मुश्किलात, जबर के बावजूद कश्मीरी अपने हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का वीडियो पैगाम। महकमा खजाना पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी को इजाफी फंड्स देने से इनकार। अथॉरिटी को तरक्याती बजट से एक पाई नहीं मिलेगी। नामुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए अथॉरिटी को एक साल की मोहलत दे दी। हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी अथॉरिटी अब अपना बजट खुद तख्लीक करेगी। वफाकी वजीर खजाना असद उमर भी सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल के काम के मोतरफ। पंजाब में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बड़े फैसले। पंजाब जमीन एक्वायर और दीगर मामलात में आजाद होगा। सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मंजूरी की शर्त खत्म कर दी गई। गैस और बिजली कनेक्शन के अलावा तमाम जिम्मेदारी पंजाब के सुपुर्द। जहां का पैसा वहां ही खर्च करने का फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वसूल रकम का 40% उसी इलाके में खर्च किया जाएगा। मुख्तस रकम से स्ट्रीट लाइट्स, सड़क की मरम्मत और दीगर तरक्याती काम होंगे। गाड़ी से दो खुदकुश जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड और गोलियां बरामद हुई। मिलने वाला असलाह फ्रांसिक लैब भेज दिया गया है। जेटी रिपोर्ट में कोई दहशतगर्द साबित नहीं है। गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, तफ्तीश अभी जारी है। हाईकोर्ट में जमा कराई रिपोर्ट पर पुलिस अफसरान की ब्रीफिंग। गिरफ्तार किए गए अहलकारों की शनाख्त परेड नहीं हुई। जेआईटी ने खलील की शादी पर जाने की तस्दीक की। एजाज शाह ने गवाहान और फरीकैन को खुद सुना है। वाकई के रोज पुलिस वायरलेस के रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब जवाद डोगर, डीआईजी लीगल अब्दुल रब की ब्रीफिंग। खलील के अहले खाना से जेआईटी सरबराह की मुलाकात कराई गई। पांच अहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। जेआईटी ने सोशल मीडिया की तमाम वीडियोस मंगवा ली। जिशान के मामले पर भी तहकीकात जारी है। तर्जमान वजीर आला शहबाज गुल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तहकीकात मुकम्मल होने पर सबके सामने लाएंगे। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में ही मुमकिन, बैरून मुल्क भेजने का फैसला नहीं हुआ। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर महमूद अयाज की राय, नवाज शरीफ का दिल ठीक, गुर्दों में मसला सामने आ गया। नवाज शरीफ के बाएं गुर्दे में 3 मिलीमीटर की दो पथरियों की निशानदही। गुर्दों की पथरी निकालने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करने की तजवीज। जराए नवाज शरीफ के सर्विसेज हॉस्पिटल की न्यू ओपीडी में अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे। हॉस्पिटल जराए का कहना है कि साबिक वजीर आजम ने ब्लड टेस्ट नॉर्मल, यूरिक एसिड टेस्ट बॉर्डर लाइन पर है। शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान बारिश के 3 रोजा स्पेल की पेशगोई।